everyone. I hope you are doing great. This is Pari Khan. You can follow me on my Instagram for the new updates about the beauty products and the lifestyle and all. Okay, anyways, पहले मैंने आपसे शेयर की थी अपनी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन कलेक्शन जो कि मैं यूज करती हूँ और सब आपसे शेयर की थी. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बीबी क्रीम की कलेक्शन. बीबी क्रीम कलेक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं एक जो बीबी क्रीम है उससे मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी अटैचमेंट है मेरी, इमोशनली मेरी उससे कितनी अटैचमेंट है. तो ये सब आप जानने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल पे लास्ट तक ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, आप लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा. एंड या थैंक यू फॉर. अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि वाई बीबी क्रीम, वाई नॉट फाउंडेशन. देखिए, बीबी क्रीम को आप डेली बेस पे यूज कर सकते हैं. बीबी क्रीम कुड बी योर मॉइस्चराइजर प्लस SPF प्लस फाउंडेशन. लेकिन इसको बेस्ट टेंटेड मॉइस्चराइजर भी कहेंगे आप इसको, क्योंकि ये आपकी स्किन को टेंट करता है. ठीक है, एनीवेज, इसके अलावा अब मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगी, वो सारी चीज प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि मेरी आपको मैं लीस्ट एंड देन बेस्ट आपको इस तरह करके दिखाऊंगी कि मेरी जो सबसे लीस्ट मेरी फेवरेट है, देन मेरे पास जो है मौजूद है. ऑफकोर्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो मेरे पास होगी नहीं, ऑब्वियसली मैंने दे दादी होगी किसी को. लेकिन अभी इससे पहले कि मैं आपको अपनी प्रोडक्ट से मिलवाऊं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए और मैं भी मरी जा रही हूँ आपको सब दिखाने के लिए. सो यू नीड टू वेट जस्ट फॉर अ वाइल. तो मैं सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है अंडर 20. मींस इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एज ऑफ 20 की गर्ल्स ये यूज़ कर सकती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फॉर बीबी क्रीम जिसका नंबर है 01. इट्स फ्रॉम अंडर 20 प्रोडक्ट एक्चुअली. इट्स जिसका फॉर एक्नी के लिए, एंटी एक्नी के लिए सबसे बेस्ट बीबी क्रीम रहेगी फॉर डेली बेसिस. अगर आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग एंड इवन ऑफिस गोइंग गर्ल्स कैन वेयर दिस बेबी क्रीम ऑन डेली बेसिस. ठीक है, इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी. ये मैंने खोली इसका और ये आप इसका प्रोडक्ट देखें. ठीक है, जी, मैं आपको इसका टेक्सचर बता रही थी, आपको इसका स्वॉचेस दिखा रही थी. ये देखें, ये इसका कुछ स्वॉच इस तरह है. ये देखें, यस, इट्स वेरी गुड. अच्छा, इसको थोड़ा सा थिक इसलिए दिया गया है क्योंकि दिस इज लाइक रिकमेंडेड फॉर द एक्नी प्रो स्किन. एक्टिव एक्नी होगी या फिर उनके जो स्पॉट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे, सन प्रोटेक्शन भी देगी स्किन से. ठीक है, सो दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट बीबी क्रीम. ओके, जो सेकेंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज प्योर ब्यूटी की. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. दैट्स प्योर ब्यूटी बीबी क्रीम ब्लेमिश बाम. ठीक है, अब इस पे क्या है, ये भी मेरे ज्यादातर आइवरी जो है ना, जो शेड है वो मेरे स्किन पे जाता है, तो इसका भी मैं आपको सबसे पहले स्वॉच दिखाती हूँ. ये देखें, ये थोड़ा देख सकते हैं, उसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा फैलाती हूँ ताकि आपको डिफरेंट शेड हो. ये देखें, इसके पे ऊपर जैसे ही मैंने फिंगर रखी है तो ये मेरी नर्म मुलायम नीचे आ गई, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी थी तो स्लो डाउन आ रही थी और ये इसकी थोड़ी सी पतली. बहुत ही बकवास मैंने कुछ इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आई नो, बट दिस इज यू कैन सी. सो दिस वॉज द प्योर ब्यूटी. ठीक है, फ्रॉम द प्योर ब्यूटी बीबी क्रीम. ठीक है, दैट इज माई सेकेंड रिकमेंडेशन. माई थर्ड रिकमेंडेशन इज फार्मा सीरीज की, जो कि मैं आजकल यूज कर रही हूँ स्कूल के लिए. कॉलेज आ रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ. आई एम नॉट अ कॉलेज एंड स्कूल गर्ल, बाय द वे आई एम अ टीचर. कम ऑन गर्ल्स, गेट इन द लाइन. ओके, एनीवेज, दिस इज द फार्मा सीरीज बीबी क्रीम फाउंडेशन विद SPF 50. ठीक है, अब इसका क्या है, इसके मजे की बात यह है कि इस पे SPF 50 है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा चाहिए होता है सन एक्सपोजर की वजह से. आप लेना चाहते हैं, इसका भी मैं लिंक आपको जो है ना शेयर कर दूंगी, आप ये कहाँ से परचेस कर सकते हैं. तो दिस इज माय सेकंड लास्ट मोस्ट फेवरेट. उसके बाद आती है बारी मेरी दिल और जान और जिगर से प्यारे प्रोडक्ट की, जो मुझे इतनी प्यारी है जितने मुझे सांस लेना प्यारी है, जितना मुझे जिंदा रहना प्यारा है, जितना मुझे अपनी फैमिली से प्यार है, उतना ही मुझे इस प्रोडक्ट से प्यार है. दैट इज गार्नियर बीबी क्रीम. It's a magic product. Yes, I mean it. It's a magic product. लेकिन इसका सबसे बड़ा दुख जो मेरी जिंदगी का है, ये अब आना बंद हो चुका है. जिसकी वजह से मैं वैसे ये 2 से 3 लेके रखती थी, जिसकी वजह से अभी अभी मेरी फ्रेंड आई थी सऊदी से, उनके बैग में से ये बरामद हुआ, तो मैंने उनसे ये छीन.
अगर आपको ये प्रोडक्ट कहीं से भी मिलती है, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें कि यहाँ से मिलती है किसी भी ऑनलाइन स्टोर में या कहीं पे स्टॉक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे दे दें। अगर वो पूरा डब्बा भी है तो मैं पूरा कार्टन भी इसका खरीद लूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार। क्यों? क्योंकि मेरी असल खूबसूरती का राज इसमें छुपा हुआ है। जब मैं ये लगाती हूँ तो मेरी इस बीबी स्क्रीन से मेरी बेबी स्किन हो जाती है, मेरी स्किन ग्लो करती है, मेरी स्किन पे जितने भी ब्लेमिशेस हैं, डबल टोन है या फिर कुछ भी फ्लॉ, जितने भी फ्लॉस हैं, तो वो फ्लॉलेस हो जाती है। तो आई लुक मोर यंगर, मोर ब्यूटीफुल एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, तो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट। इसकी मैं स्वॉच दिखाऊंगी, लेकिन इतना सा मैं प्रोडक्ट दूंगी, इतना सा प्रोडक्ट, बिकॉज फॉर माई इंटायर लाइफ आई एम गोइंग टू यूज ऑल दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज द, इसकी बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी है। ये देखें, इसमें तो बिल्कुल मेरी उंगली यूं, तो ये थोड़ा सा येलोइश है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ा सा येलोइश होगा ना, तो उसमें आप ज्यादा प्यारे लगेंगे बनिस्बत वो जिसमें चिट्टे लग रहे हो। चिट्टे में ऐसा होगा जैसे आटे में आपने मुंह डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा येलोइश में थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है और थोड़े से आप क्या लगते हैं, मतलब थोड़े से अच्छे कॉन्फिडेंस आता है। गोरे गोरे में मुझे लगता है, ज़्यादा गोरे में जो है ना आप अजीब से लग रहे होते हैं। वो जो फिर मुझे मेरे कानों में वो वाला गाना बजने लगता है जिसको मैं देखती हूँ ना, ज़्यादा वाइट वाइट किया हुआ होता है, फिर मेरे कानों में एक गाना बजता है, बेबी को बेस पसंद है। तो फिर एनीवेज, मैंने पूरा हाथ आपको सारे दिखा दिए हैं। ये मेरे सारे वो प्रोडक्ट थे जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ आप सबको, कि इनमें से आपको कोई भी जो है पसंद है तो इसके लिए कमेंट डाउन करें, इसके अलावा आपको कोई पसंद है तो उसके भी प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें कि इसके अलावा और कौन सी बीबी क्रीम है जो कि हमें लेनी चाहिए या मुझे लेनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड। अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन उससे पहले मैं फिर आपसे एक शुरली छोड़ना चाहती हूँ, एक छोटा सा बम फोड़ना चाहती हूँ। वो ये कि मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ मेरे सारे या परफ्यूम कलेक्शन पे और या फिर जो है मेरे कंसीलर्स पे। अगर आप इन दोनों में से कोई चाहते हैं कि मैं या परफ्यूम्स पे कलेक्शन पे बनाऊँ या कंसीलर कलेक्शन पे पे बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करें इस बात के लिए भी, बस आप कमेंट्स करते रहें, ये सब मुझे बताएं, ताकि फिर मैं वीडियो अच्छी से वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी या।